तो बात पाऊँ, लेकिन वोट इस बार कांग्रेस को दूंगा सर। कर बीजेपी सर, कांग्रेस सरकार ने जो काम करवाया आज तक 75 साल में किसी भी सरकार ने नहीं करवाया है। दोस्तों नमस्कार, राजस्थान को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान के लोग कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ गए। अभी हम लोग बूंदी में हैं और बूंदी में कई बार से विधायक यहाँ पर जो है वो भाजपा के हैं, है ना। और बहुत सारे छात्र जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इनसे प्रयास किया कि बात किया जाए कैसा लग रहा है राजस्थान में, कैसा सरकार काम कर रही है, समझने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं। तो नाम क्या भाई साहब आपका? गुजरे सर मेरा नाम। अभी क्या चाह रहे हो आप, भाजपा यहाँ पे आया फिर कांग्रेस आए? जी सर, हम चाह रहे भाई वापस रिपीट हो। राजस्थान में तो हर बार बदल जाता है जी, 5 साल में सरकार बदल जाती है। हाँ, लेकिन उनकी योजनाओं को देखते हुए इस बार लग रहा है कि वापस चेंज हो पाएगी। भाजपा को वोट नहीं करोगे आप? क्यों सर? नहीं सर, इसमें भाजपा और कांग्रेस कोई मायने नहीं रखते। अच्छा काम कौन करवा रही है, फीडबैक जी। अशोक गहलोत ने अच्छा काम कराया तो चाहते हो कि रिपीट हो? जी वापस। भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू सैनी। राजू, तो राजू भाई आप क्या चाहते हो? अब मैं तो अशोक गहलोत ही। भाजपा क्यों नहीं चाहते हो? भाजपा ने यहाँ पे अभी विधायक को देख लो, बूंदी के को अशोक डोगरा को, मतलब दलेलपुरा से लेके बूंदी तक जिस सड़क पे आते हैं ना, तो उसमें पूरी धूल मिट्टी। मतलब तीन बार विधायक रह चुके, उन्होंने अभी तक उसका निर्माण नहीं करवाया। और यहाँ के जो भाजपा विधायक काम नहीं किए यहाँ, अशोक गहलोत के काम अच्छे लग रहे हैं। लग रहा है राजस्थान में इस बार रिपीट होगी सरकार? होनी चाहिए। जबकि सर होनी चाहिए। बताइए, दही नैनवा वाला जो रोड है, जिला स्तरीय रोड है, इसका बजट भी पास हो चुका है सर, ब्लैक के बाद भी काम नहीं हो रहा। उसके बाद काम नहीं हो रहा सर, ये है। अरे आ तो जाओ यार, तुम तो भागे जा रहे हो, तुमसे ही बात करनी, तुम तो भागे जा रहे हो। तुम क्या चाहते हो सर? कांग्रेस सरकार। क्यों चाहते हो कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार ने जो काम करवाया आज तक 75 साल में किसी भी सरकार ने नहीं करवाया है। क्या बात कर रहे हो, 75 साल में किसी ने भी करवाया? जो भी हुआ काम हुआ है इस साल 5 साल में, जो 5 साल में काम हुआ आपको लगता है 75 साल में कोई नहीं कराया? हमारे इंडोली में तो 75 साल से कभी नहीं हुआ इतना काम, कांग्रेस नहीं कराया? हाँ सर। तो चाहे तो रिपीट हो? हाँ बिल्कुल। तो समर्थक कौन से, भाजपा समर्थक हो कि कांग्रेस समर्थक? तो भाजपा हूँ, लेकिन वोट इस बार कांग्रेस को दूंगा सर। भाजपा समर्थक हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन वोट इस बार कांग्रेस को दोगे? बिल्कुल सर। काम को लेकर? हाँ काम को लेकर, विधानसभा में सर, लेकिन जो स्टेट है वहाँ पे सर वोट मोदी को जाएगा। आप भी भाजपा समर्थक हो? यस सर। भाजपा समर्थक हो लेकिन कट्टर बीजेपी सर? कट्टर बीजेपी का सर? बीजेपी। आप भी कट्टर बीजेपी? कट्टर बीजेपी। क्या बात भाई, अगर वो लोग तो चले गए, कुछ लोग और थे वो भी कट्टर बीजेपी समर्थक है? बीजेपी सब बीजेपी की, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने काम अच्छा करवाया है, इस वजह से हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं सर। सब लोग जितने लोग यहाँ पे थे सब लोग कट्टर बीजेपी के? सर कट्टर बीजेपी के थे सब, लेकिन जो राजस्थान में और हमारे बूंदी विधानसभा में जो इस प्रकार से बीजेपी ने काम नहीं करवाया सर, उस वजह से हम राजस्थान में कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन स्टेट में सर बीजेपी चाहते हैं। सेंटर में? हाँ सेंटर में। स्टेट में आप यहाँ पे कांग्रेस चाहते हैं? स्टेट में, सॉरी सेंटर में बीजेपी चाहते हैं। सेंटर में बीजेपी चाहते हैं सर। यहाँ पे काम जो कांग्रेस ने कराया आपको लगता बढ़िया कराया? बढ़िया कराया। अशोक गहलोत के जो काम अच्छे हैं? अच्छे हैं सर। योजनाएं आपको लगता सही? हाँ सर सही। चले गए पता नहीं, बात करने के लिए रुके हुए थे। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ यार, तुम लोग पानी वानी पी रहे हो यार, आ जाओ 2 मिनट तुम लोगों से भी बात कर लें यार। ये लोग तो बता रहे हैं कि कट्टर भाजपा समर्थक है हम लोग, तुम भी कट्टर भाजपा समर्थक हो? नहीं सर, हम तो काम को देख कर वोट देने वाले। काम को देख कर वोट देने? जी सर। काम कैसा लगा? काम अच्छा है सर, कांग्रेस सरकार का अच्छा लगा। जी सर, रिपीट होगी इस बार सरकार? रिपीट होगी जी सर। पहले हमेशा होता रहता कि 5 साल में यहाँ बदल जाता है, तो इस बार ऐसा नहीं? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस बार जैसे गहलोत सरकार की योजनाओं को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत से स्कूल खोले, और जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना जो इंडिया में भी टॉप पे हम इलाज के मामले में, सब कुछ देखते हुए चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का बीमा, दुर्घटना बीमा को देखते हुए सर रिपीट होने की चांस है जी। रिपीट होने के चांस है जी सर? भाजपा नहीं चाह रहे हो? चाह तो सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कांग्रेस ही आएगी हमारी इस बार। कांग्रेस ही आएगी जी सर। अरे भाई आ जाओ, तुम भी यार आ जाओ, 2 मिनट बात कर लो, तुम नहीं बात करोगे? भाई साहब इनसे ही बात कर ले, भाई साहब आएंगे, 2 मिनट बात कर लीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। तो ये बताइए क्या लग रहा है इधर, सरकार कैसी चल रही है? सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है तो क्या लग रहा है यहाँ पर, कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर भाजपा इस बार आ रही है? कांग्रेस की संभावना है। कांग्रेस की संभावना है। ये लोग तो बता रहे हैं कि भाजपा समर्थक हम लोग हैं लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, आप भी क्या वैसे ही हैं? बस कांग्रेस को समर्थक। भाजपा समर्थक आप भी हैं? भाजपा समर्थन रहेगा मगर कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? आप भी भाजपा समर्थक हैं? बिल्कुल। भाजपा को पसंद करते हैं? केंद्र में मोदी को, राज्य में राजस्थान गहलोत को। गहलोत को आज में गहलोत Yes. मतलब जितने स्टूडेंट यहाँ पर आए सब भाजपा समर्थक है। भाई साहब एक और आ गए, इनसे भी राय लेते। अरे भाई बता दो यार,
तो कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, शर्मा और मार रहे हैं क्या कैमरे पे आने के लिए हैं भाई साहब? शर्माई रहिए। मोदी जी का काम बढ़िया लग रहा है सेंटर में? मोदी जी का सेंटर में बढ़िया लग रहा है, वो तगड़ा काम कर रहे हैं सेंटर, बहुत अच्छा। के लिए वही चाहते हो कि वही मोदी जी? मोदी जी आने चाहिए केंद्र में, सेंटर में ही रहने चाहिए, सेंटर में मोदी रहने चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार बने? हाँ अभी, और जैसे कि सर हमारे अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री बीजेपी से कोई चेहरा सामने नहीं आया, अगर कोई अच्छा चेहरा सामने आता है तो उसके हिसाब से फिर हम सोच सकते हो अभी सकते हैं। लेकिन अच्छा अभी, अभी जो करंट चल रहा है मतलब देखते हुए बीजेपी ने कोई अपना सीएम का चेहरा भी नहीं रखा है। वसुंधरा, अगर वसुंधरा राजे का फेस आगे करते हैं? नहीं, वो कहते हैं ना सर कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, ऐसे कुछ है। तो सुंदरा राजे को नहीं पसंद कर पसंद करते सर हम, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया सर, उनके कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ ठोस कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग अभी बूंदी में हैं, बूंदी में कुछ छात्र मिल गए थे जिनसे जानने प्रयास कर रहे थे, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। थोड़ी समस्या है छात्रों की, जैसे पेपर लीक का मैटर है राजस्थान में, वो भी है, और पेपर लीक का हर जगह मैटर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर लगभग सारे युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, चार चार पाँच पाँच साल सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से पेपर होता, पेपर लीक हो जाता, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है। अच्छा, अग्निवीर योजना जो थी, आप लोग तैयारी करते थे आर्मी वर्मी के लिए? नहीं करते थे की है, तो अग्निवीर योजना भी सही लगी आपको? नहीं लगी? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगी। नहीं सही लगी, वो भी गड़बड़ योजना जी सर। मैंने चार साल तक तैयारी की, अब चार साल के लिए जाके फिर क्या है मेरा आगे? इसको चाहते नहीं हो कि मोदी जी अग्निवीर योजना पर थोड़ा विचार करें, 2024 का चुनाव है, उसके पहले इसको बदल दें? बदलना चाहिए सर, बदलना चाहिए सर, और बदलना चाहिए, बदलना चाहिए सर। कि सर ये अग्निवीर योजना है जो चार साल के लिए है, लेकिन चार साल के बाद में क्या करेगा लड़का? मान लो बंदा कोई अग्निवीर में सेलेक्ट भी होता है, नौकरी करता है, लेकिन वो चार साल के बाद क्या करेगा उसके लिए? ओके, ऑप्शन क्या है उसके लिए? ये तो है ही नहीं सर, समस्या है अग्निवीर वाले, उसमें जो भी है। तो चार साल सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक बार ये सोचना चाहिए। तो अभी 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 लेकिन आप लोग यहाँ चाह रहे हो कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन जाए, कांग्रेस का माहौल भी दिख रहा है जी सर। अच्छा, बातचीत करते होगे तो लगता होगा ना कि किसका सरकार बन रही है सर? हम कांग्रेस का ही लगता है इस बार, देखिए इस बार कांग्रेस रिपीट होगी, पक्की सरकार।